शुरू से इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आज भी इसी के बारे में बात करेंगे दैट हाउ दिस ह्यूमन बींग केम इन टू एन एग्जिस्टेंट ठीक है तो लास्ट टॉपिक है जिसमें आज ह्यूमन एवोल्यूशन का थोड़ा सा ब्रीफ अकाउंट लेना है ज्यादा डिटेल में नहीं जाना ब्रीफ अकाउंट लेना है एंड देन ह्यूमन से पहले कौन आए एव्स थे रेप्टाइल्स थे एम्फीबियंस थे पाइसिस थे पाइसिस से पहले कौन आए प्लांट्स थे प्लांट्स कैसे बने अल्टीमेटली तो एक सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म था उसी से ही सब कुछ बना है ना सिंगल सेल देन मल्टी सेलर मल्टी सेलर से फिर ऑर्गेनिज्म बना ऑर्गेनिज्म में फिर धीरे धीरे आगे क्या आते गए चेंजेस आते गए बट क्या ऐसा हो रहा है वेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स आर गेटिंग फॉर्म्ड तो क्या पीछे वाली फॉर्म्स गायब होती जा रही है मतलब हमसे पहले प्लांट्स आए लेकिन जब ह्यूमन आए क्या प्लांट्स गायब हो गए थे नो प्लांट्स दे आर स्टिल सरवाइविंग इवन बैक्टीरिया द सिंपलेस्ट वन इज ऑल्सो स्टिल सरवाइविंग उनमें अपने चेंजेस आ रहे हैं हमारे में अपने चेंजेस आ रहे हैं सो एवोल्यूशन डज नॉट मीन दैट देयर इज एलिमिनेशन ऑफ द प्रीवियस स्पीशीज नो दे डू नॉट गेट एलिमिनेटेड कुछ एक्सटिंक्ट हो जाते हैं बट खत्म होने को हम एवोल्यूशन नहीं बोलते हैं एवोल्यूशन हम क्या बोलते हैं जस्ट द फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्सिटी वेराइटी बनती जा रही है पहले अकेले बैक्टीरिया थे बैक्टीरिया से फिर थोड़ा सा आगे आए आगे आए प्लांट आगे आए थोड़ा एनिमल्स ठीक है एनिमल्स में सबसे एडवांस कौन है हम वी ह्यूमन बींग्स तो ये थोड़ी प्राउड फीलिंग वाली बात है हम में भी एवोल्यूशन हो रही है यू नेवर नो कब एक नया स्पीशी हमसे भी ज्यादा एडवांस हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए है ना अब क्या एवोल्यूशन का हमेशा यही

रेट्रोग्रेसिव भी सो so, एवोल्यूशन के लिए एक वर्ड यूज करना बिल्कुल ठीक है कि चाहे थोड़ा एडवांस बने चाहे एडवांस से सिंपल बने बट अलग बन रहा है इट इज सिंपली जेनरेशन ऑफ डायवर्सिटी अग्री विद मी सब बच्चे अग्री करते हैं दैट इट इज सिंपली जेनरेशन ऑफ डायवर्सिटी कभी भी यू कैन नॉट से दिस स्टेटमेंट दैट इन एवोल्यूशन ऑलवेज देयर विल बी प्रोग्रेस नो इट कैन मूव इन रिवर्स डायरेक्शन एज वेल ठीक है क्लियर चलिए चालू करते हैं आज का टॉपिक बच्चों माय नेम इज सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट ऑन अन अकेडमी नीट चैनल एवरी डे हम यहां पर मिलते हैं एंड वी टॉक अबाउट वेरियस टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी हमारा डेली टाइम फिक्स है यूट्यूब पर फाइव पी एम साथ ही में कल मैं आपकी कॉम्बैट की भी तैयारी करा रही हूँ उसके लिए रेडी रहिएगा क्योंकि कल ग्यारह बजे टेस्ट है नाइन थर्टी पे वी आ मीटिंग ओवर हेयर ठीक है जब भी पीडीएफ चाहिए होगी तो सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हो इफ वी टॉक अबाउट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन बचो अनअकेडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो आपकी अगर इच्छा है सच में डॉक्टर बनने की है ना दिली इच्छा है और एक कॉम्पिटेटिव माहौल में पढ़ने की ऐसे माहौल में जहां सब बच्चों का मेन एम क्या है नीट ताकि आप अपने कॉम्पिटिशन को जान पाए आप उनसे सीख पाए है ना ऐसा माहौल चाहिए बेस्ट टीचर्स चाहिए प्रॉपर सपोर्ट चाहिए टेस्ट सीरीज है पूरा बैंक है क्वेश्चंस का क्विजेस हैं डेली सेशंस हैं एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में आपका कोर्स कंप्लीट होता है देन दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर यू जहां पर हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है हमारी टीम का क्लास इलेवेंथ का कोर्स भी है ट्वेल्थ का कोर्स भी है रिसेंटली वी हैव लॉन्च क्रैश कोर्स एज वेल अभी हाल ही में बच्चों हमने लॉन्च किया है क्रैश कोर्स ठीक है साथ ही में अनादर कोर्स इज गोइंग ऑन विच इज कॉल्ड एज प्रैक्टिस कोर्स अनादर कोर्स इज गोइंग ऑन विच इज कॉल्ड एज प्रैक्टिस कोर्स तो आपका हर हर बच्चों छोटा छोटा डिमांड क्या आपको लगता है मैम हमें लाइंस और टॉपिक पढ़ने हैं बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी के एंड वाले चैप्टर तक करेंगे हर चीज कंप्लीट होगी हर तीन सेशंस के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं ठीक है तो यू you नो know, ऐसे माहौल में पढ़ोगे जहां पर रियली में तैयारी हो रही है कोई टाइम वेस्ट नहीं है, है ना देन प्लस सब्सक्रिप्शन इज अ वन फॉर यू ठीक है प्लस सब्सक्रिप्शन जब आप लेने जाएंगे तो आपके सामने बहुत सारे तरीके के कोर्सेज आएंगे राइट वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ तो आपको किस कोर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए विच इज लॉन्ग टर्म कोर्स किस कोर्स में बच्चों इन्वेस्ट करोगे विच इज लॉन्ग टर्म कोर्स ठीक है एंड दैट लॉन्ग टर्म कोर्स वुड बी सिक्स मंथ वन ईयर और टू ईयर कोर्स जो बच्चे 2021 वाले वन ईयर का भी ले सकते हैं सिक्स मंथ का भी ले सकते हैं देखिए उसमें आपको ऑलरेडी इनका प्राइसिंग अगर आप देखेंगे तो सबसे कम प्राइस लॉन्ग टर्म कोर्सेज का ही होता है और ऑफ मिल जाएगा इफ यू विल यूज दिस कोड दैट इज सीप लाइफ अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट टेन परसेंट ऑफ ऑन द सब्सक्रिप्शन एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी दैट मेरी स्पेशल क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं विच आर फ्री क्लासेस बच्चों कंप्लीटली फ्री ऑफ क्लासेस रनिंग ऑन अन अकेडमी डॉट कॉम और अन अकेडमी लर्निंग ऐप ये जो आपका बैकलॉग है ना इतने टाइम से जो आपके साथ चल रहा है बैकलॉग है उसको खत्म कर रहे हैं हम कैसे बाय अ न्यू सीरीज विच इज कॉल्ड एज लर्न बायोलॉजी विद क्वेश्चन राइट सो वी आर ट्राइंग टू लर्न बायोलॉजी विद क्वेश्चन हर दिन आठ बजे मैं आपके साथ आती हूँ स्पेशल क्लास में जिसमें हम क्वेश्चन की हेल्प से पूरा चैप्टर डिस्कस करते हैं सो दिस इज अ सीरीज फॉर यू कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अन या लर्निंग ऐप पे मेरा नाम डालेंगे बच्चों है ना नाम तो पता है तो सर्च कर लेना सर्च करने के बाद जब उस पर क्लिक करोगे क्लास पे तो आपसे कोड पूछेगा इन्वाइट कोड में डाल देना सीप्लाइट सिंपल सा कोड है है ना इसको डालोगे तो सबकी क्लासेस आपको दिखने लग जाएंगे राइट बच्चों चालू करें कैसे चाल कैसे ज्वाइन करो कॉम्बैट सीरीज हाँ जी तो कैसे ज्वाइन करें जो कॉम्बैट वाले बच्चे हैं मैं उनको बता दू कल आपका कॉम्बैट है ठीक है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट से अन अकाडमी की लर्निंग ऐप में जाओ या फिर अन अकेडमी डॉट कॉम अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो ऐप में जाने के बाद टेस्ट में जाना किस में जाना टेस्ट में जाना टेस्ट में जाओगे आपको कॉम्बैट दिख जाएगा बस इतने से स्टेप है, है। कोड पूछेंगे कोड डाल देना सीप लाइफ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट है उसमें ठीक है और प्राइजेस तो बहुत अमेजिंग है आपको पता ही है ठीक है इसके बाद भी बात करेंगे प्राइजेस की कल सुबह साढ़े का सेशन भी अटेंड करना है सबने कॉम्बैट की प्रिपरेशन के लिए सो मूविंग ऑन टू आवर एवोल्यूशन एवोल्यूशन पे आ जाते हैं बच्चों ठीक है लेट असार्ट लेटो स्टार्ट विदोल्यूशन अगला टॉपिक कल हमने क्या डिस्कस किया था भी आप समझ आए होंगे ट्रिक भी समझ आ गई होगी न्यूमेरिकल्स की एक्चुअल so, में लाइफ चालू कहां से हुई कौन कौन से ईयर्स है कितने साल पहले कितने मिलियन ईयर्स पहले बिलियन ईयर्स पहले पहले कौन आया बाद में कौन आया सो अबाउट टू थाउजेंड मिलियन ईयर्स अगो ये याद करना है जो एनसीआरटी ने दे दिया हिस्ट्री वाला करते थे ना अकबर कब आया शाहजादा कब आया हुमायूं कब आया ये टूम कब बना ताजमहल कब बना ये सब आपने याद किया टेंथ में एसएसटी थोड़ी सी एसएसटी बच्चों यहाँ पर भी है ठीक है 2000 मिलियन इयर्स अगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म लिख लो इसको ये एनसीईआरटी में जो साइड की जगह है ना दिस इज मेंट फॉर राइटिंग दीज पॉइंट्स ओनली कि 2000 मिलियन इयर्स अगो क्या बना फर्स्ट सेलुलर फॉर्म क्या बना बच्चों फर्स्ट सेल्युलर फॉर्म इट अपियड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ पहली चीज द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन एग्रीगेट्स ऑफ जॉइंट माइक्रोमोलिक्सोल्व इन इनटू सेल विद द मेम्ब्रेनस एनवेलप इज स्टिल नॉट नोन देखो हमने केमिकल एवोल्यूशन में ये तो कर लिया था दैट इनऑर्गेनिक मैटर विल अल्टीमेटली फॉर्म द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक अमाइनो एसिड्स बना लिए थे हमने न्यूक्लिक एसिड्स बना लिए थे कार्बोहाइड्रेट्स बना लिए थे बट उन सारी चीजों ने कैसे इकट्ठा होकर एक सेल बना लिया दैट इज स्टिल लिटिल बिट कॉन्ट्रोवर्शियल इट इज स्टिल नॉट नोन बहुत सारी थ्यूरीज हैं बट नन ऑफ द थ्यूरीज हंड्रेड परसेंट एक्सेप्टेबल ठीक है सम ऑफ दीज सेल्स है अबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन देखो अब सेल्स क्या रिलीज करना शुरू हो गए करते हैं ऑक्सीजन राइट द रियक्शन सिमिलर टू द लाइट रियक्शन इन फोटोसिंथेसिस वे आर वॉटर स्प्लिट्स विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी पता है ना फोटो सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट सनलाइट आएगी सनलाइट आएगी तो क्या होगा देर विल बी स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर राइट एंड चैनलाइज बाय अप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स ये फोटोसिंथेसिस सबको पता है क्या होता था वो फोटो सिस्टम्स है ना फोटोसिस्टम्स लाइट कैप्चरिंग सब्सटेंसेस एंड देन इट विल स्प्लिट एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ ऑक्सीजन स्लोली अब देखो अभी तक सिर्फ सिंगल सेल और सिंगल सेल बना है और वो सिंगल सेल क्या रिलीज कर पा रहा ऑक्सीजन नाउ दिस स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विल बिकम मल्टी सेलुलर है ना सेल जुड़ेंगे क्या बनेगा मल्टी सेलर बाय द टाइम 500 मिलियन इयर्स अगो

फाइव हंड्रेड मिलियन ईयर इन वर्टिड आए एंड जोलेस फिशेज प्रॉबेबलीउंडी मिलियन ईयर आगे कर लो थ्री फिफ्टी एम वाई एम वाई एज नॉट माया इट इज मिलियन ईयर अगो है ना बच्चे कुछ इसको क्या बोलते हैं माया इट इज नॉट माया इट इज मिलियन ईयर अगो ठीक है जॉलेस लेस राइट चलो आगे चलते हैं इसमें से क्वेश्चन भी आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमने एवोल्यूशन के ठीक है So seaweeds and few plants existed probably around 320 million years ago. We were told that the first organism that invaded land were plants. land <laughs> plants, <laughs> they were widespread on land when animals invaded land. That means, that means job animals eye at that time. प्लांट्स वर नॉट एबसेंट देर प्रेजेंट इन अब यह भी क्वेश्चन आता है कि वेन प्लांट्स इन टू एनिमल्स तो क्या जब एनिमल्स आए तब प्लांट्स गायब हो गए ऐसा नहीं था एट दैट टाइम ऑल्सो प्लांट्स ठीक है फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिंसूव टू लैंड एंड गो बैक टू वॉटर अभी किसकी प्रॉपर्टी है कि ऐसी फिश जो लैंड पर आती थी और वापस पानी में चली जाती है किसकी प्रॉपर्टी है बताओ बताओ किस क्लास की प्रॉपर्टी है अभी एनिमल किंगडम पढ़ा था कि लैंड से पानी में आएंगे पानी से फिर से फिर लैंड में चले जाएंगे नहीं खत्मो दाइन, स्टिलोरा भाई हम क्या कर रहे हैं एवोल्यूशन कर रहे हैं एनिमल किंगडम डन मतलब अब जो बचा हुआ वो हम करेंगे मंडे को ठीक है हाँ, बिल्कुल ठीक वत्सला ने करेक्ट आंसर दिया दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एम किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों ये amphibians की है तो मतलब हमें एम्फिबियंस के एक तरीके से एनसेस्टर कब अराउंड 350 मिलियन इयर्स अगो सो इन 1938 फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका हैपन टू बी सीलो कैंथ विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट और यही क्या है आपका एंसेस्टर ऑफ एम्फिबियन फिबियंस सिलोकैंथ राइट वही बात हुई ना क्योंकि ये फिश कैसी थी ये ऐसी थी कि लैंड से वॉटर से लैंड में चली जाती थी लैंड से वापस वॉटर में आ जाती थी सो दिस वॉज थॉट टू बी इवॉल्व इंटू फर्स्ट एम्फीबियन दैट लिव्ड ऑन बोथ लैंड एंड वॉटर समझ पा रहे हो क्या हुआ सिंगल सेल सिंगल सेल से मल्टी सेलर मल्टी सेलर से अल्टीमेटली आपके इनवर्टिब्रेड फिर आए बच्चों हम वर्टिब्रेट्स पे फिर बनी फिशेज फिशेज में फिर एक सीलो कैन था जिसमें प्रॉपर्टी थी एम्फिबियंस वाली और उसी ने एवोल्यूशन किया इनटू फर्स्ट

अब एम्फीबियंस आगे किसमें गए आगे किस गए? The amphibians, they evolved into reptile. Reptile की क्या है? हमने अभी करा था एनिमल किंगडम में किंग्रू लैंड वर्टिब्रेट्स राइट दे आर फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स पहली बारी प्रॉपरली लैंड पर कौन आया रेप्टाइल्स आए अब सिंस ये लैंड पर आ चुके हैं इनके एग्स को डेसिकेट होने के सबसे ज्यादा चांसेस है ना जो लैंड पर आ गए डेसिकेट होने के चांसेस हैं इसी वजह से दे ले उन्होंने अपने एग्स कहाँ रिलीज करने पानी में सारा काम उनका पानी में हो जाना है तो डेसिकेशन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो किस वजह से हम थिक कवरिंग बनाए कवरिंग तो बच्चे हम तब बनाएंगे जब जरूरत पड़ेगी अब जरूरत पड़ी है क्योंकि अब वो लैंड पर आ गए हैं लैंड पे आने के बाद अगर एग्स के अराउंड थिक कवरिंग नहीं होगी तो क्या हो सकता है इट कैन लीड टू डेकेशन सो इन टू प्रिवेंट क्रोकोडाइल ये हमारे मॉडर्न डे रेप्टाइल्स हैं। चलिए सो इन द नेक्स्ट सो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज डोमिनेटेड ऑन द अर्थ फिर बच्चे रेप्टाइल्स आए क्या हुआ आपके आजकल तो हम वैसे टर्टल टोटो यही सब देख रहे हैं बट इससे पहले कौन आए थे डायनोसॉर भी आए थे राइट डायनोसॉर वर्ड डोमिनेंट तो ये जो मूवी बनी है ये ऐसे नहीं बनी है तो डायनासोर आप जुरासिक वर्ल्ड में देखते हो जुरासिक पार्क में देखते हो वो ऐसे ही नहीं बना है उनके फॉसिल्स मिले उसी शेप के फॉसिल मिले तभी उन्होंने उस ऑर्गेनिज्म को वहां पर रिक्रिएट किया क्या किया रिक्रिएट किया ठीक है प्लांट्स so, की बात करें टेरिडो प्रेजेंट बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल्ड डिपॉजिट स्लोली सम ऑफ दीज लैंड रेप्लाइट लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक टू वॉटर टू इवॉल्व इन फिश लाइक प्रॉबेबली टू हंड्रेड मिलियन इयर्स अगो देखो रेप्टाइल्स दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए कुछ जो वाटर में सरवाइव कर सकते थे और कुछ लैंड पर तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कौन से रेप्टाइल्स ऐसे थे विच हैविंग फिश लाइक प्रॉपर्टी दैट वाज इक्ॉरस कौन सा था थारस ठीक है बाकी आपके लैंड वाले तो आप जानते हो लाइक डायनोसोर्स डायनोसोर्स ठीक है ठीक है द लैंड रेप्टाइल्स वही सेकेंड कैटेगरी ऑफकोर्स वर द डायसोर है ना द बिगेस्ट ऑफ दिस कैन कम इन क्वेश्चन सबसे बड़ा बताओ डायनासोर दैट इजनोसॉरस रेक्स विच वॉज अबाउट ट्वेंटी फीट इन हाइट एंड ह्यूज फ्यूरसम डागर लाइक टीथ तो सबसे बड़ा डेंजरस डायनासॉर आ सकता है दैट टायरानोसॉरस रिक्स एंड अबाउट 65 फाइव मिलियन ईयर्स अगो डायनोसॉर दे सडनली डिस फ्रॉम द अर्थ अचानक से गायब हो गए किस वजह से गायब हुए हो, हो सकता है क्लाइमेटिक चेंज हुआ हो. हो सकता है वो इवॉल्व हो गए हो आपके एव्स में है ना सो दे वेंट दे जस्ट डिसअपियर राइट डो नॉट नो द ट्रू रीजन कुछ बोलते हैं क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हो गया हो कुछ बोलेंगे दैट दाइट है याद रहेगा बच्चों टाइर के बारे में रेप्टाइल्स के बारे में एक्चुअली ना आपको थोड़ा सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैं बता दू जियोलॉजिकल टाइम स्केल सो वी डिवाइड इंटू कैटेगरी सबसे पहले क्या आता है हमारे पास एरा स्ट एक ओवरव्यू दूंगी अब इस पर क्वेश्चन आते नहीं है पहले आते थे सबसे पहले वाला होता है प्री कैमरियन तो वो एनसीआरटी मैंशन नहीं करती है इसीलिए हम लिखते नहीं है उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी पेलोजो पेलोजो ठीक है नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी मीजोजोइ स्ड वन बच्चो इज गोइंग टू बी ठीक है तो मोस्ट एरा जिसमें ह्यूमन बींग आएंगे अगर आपको पूछ भी ले तो आप क्या बता दोगे cenozoic. याद रखोगे पेलोजोइक मीजोजोइ एंड सेनोजोइक अब पेलोजोइक पहले वाला है इसमें प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होंगे लाइक इट विल बी इट विल इनवॉल्व एज ऑफ इनवर्टिट इट विल इन्वॉल्व एज ऑफ फिशे ठीक है उसके बाद आ जाता है आपका मीजोजोइ इट इज द एज ऑफ रेप्टाइल्स यहां पर आपके डायनासोर्स बहुत प्रोमिनेंट थे एंड देन आपका आता है सेनोजोइक जिसमें आ जाएगी एज ऑफ ह्यूमन्स ह्यूमन्स किसमें में इवॉल्व हुए आपके सेनोजोइक में हुए तो पहलेजोइ में आगे हम पीरियड्स भी कर सकते हैं वी कैन हैव सिल्यूरियन पीरियड ठीक है अगर हम पीरियड्स की भी बात करें हमारे पास आ जाता है सिल्यूरियन देन डेवोनियन ठीक है देन डिवोनियन देन आपका आ जाता है कार्बोनिफेरस एंड परमियन कार्बोनिफेरस एंड परमियन जैसे सिल्यूरियन की अगर बात करें इट इज द एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स डेवोनियन आपके थे एज ऑफ फिशेस एज ऑफ फिशेस कार्बोनिफेरस फिशेस के बाद कौन आते हैं एम्फीबियंस ठीक है एम्फीबियंस ठीक है Amphibians. Mesozoic में अगर पीरियड्स की बात करेंगे then it is going to be आपका वही जोरासिक वाला वर्ल्ड बचे सबसे पहले ट्रायासिक ट्रायासिक देन आया जोरासिक एंड देन आया क्रिटेशियस ठीक है ट्रायासिक जोरासिक क्रिटेशियस ट्रायासिक के टाइम पे डायनासोर आए डायनासोर आए इट वॉज यू नो फर्स्ट डायनासॉर अपियर एट दिस टाइम फिर डायनासोर जुरासिक के टाइम पर फैल गए एट दैट टाइम डायनासोर वोमिनेंट किस पीरियड में आपके जुरासिक में और क्रिटेश में गायब दे कंप्लीटली बैनिस्ड एक्सटिंक्ट खत्म हो गए तो खत्म कब हुए या चालू कब हुए सो दिस इज द एज ऑफ डायनासॉर बच्चो दैट इज जुरसिक ठीक है दिस इज द एज ऑफ डायनासोर जिसमें वो क्या थे डोमिनेंट और फिर सेनोजोइक में आपके आगे दो पीरियड आते हैं क्वार्टरनरी एंड टर्शरी जिसमें कौन आते हैं ह्यूमन बीइंग्स ठीक है टर्शरी एंड क्वार्टरनरी राइट राइट बच्चों तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है दैट पहले वाला एरा कौन सा था एडवांस वाला कौन सा है मैंने पुराने से शुरू किया है पुराने से नया वी हैव पेलोजोइक मेजोजोइक एंड सेनोजोइक में कौन आए इनवर्टिब्रेट्स फिशेज एंड इज द एज ऑफ रेप्टाइल्स ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में प्रीवियस ईयर में दिस इज एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड सेनोजोइक में कौन आए थे हमारे मॉडर्न मैन मॉडर्न मैन ठीक है ठीक है चलो सो द ट्रूथ में लाई इन बिटवीन स्मॉल साइज रेप्टाइल ऑफ दैट एरिया स्टिल एग्जिस्ट टूडे फर्स्ट मैमल अब रेप्टाइल्स के बाद बच्चों ऑब्वियसली देर वुड बी एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स एंड एप्स फर्स्ट मैमल वर लाइक श्रूज फर्स्ट मैमल्स किसके तरह थे श्रूज एंड देयर फॉसिल्स वर स्मॉल साइज मैमल्स क्या थे आर लाइक लाइक वो क्या है ओवी पेरस एंड प्रोटेक्टेड देअर अनमोर्न इन साइड द मदर्स बॉडी यस विवी पेरस है जो ग्रोथ है यंग वन की वो कहां पर होती है मदर की बॉडी में और फिर बर्थ भी किसका होता है यंग वन का ही होता है एंड मैमल्स दे वर द मोस्ट इंटेलिजेंट होलो प्राउड थोड़ा सा अच्छा फील कर लो मैमल्स क्या है सबसे इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एटलीस्ट ठीक है सो व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन मैमल्स टू ओवर दिस अर्थ तो रेप्टाइल्स की एवोल्यूशन से कौन बने मैमल्स इट इज नॉट लाइक कि रेप्टाइल्स के बाद एव्स आए एव्स से मैमल्स बने नो no. रेप्ट की एवोल्यूशन से कुछ क्या बने एव्स एंड कुछ क्या बने मैमल्स सो मैम इवॉल्व फ्राम द टाइल्स याद रखना है सो दे वर इन साउथ अमेरिकन मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स टिनेंटल ड्रिफ्ट वेन साउथ अमेरिका ज्वाइंट नॉर्थ अमेरिका थोड़ा सा जोग्राफी बच्चों याद करो कहां था साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका दीज एनिमल वर ओवर रिडन बाय नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिकन फोना ड्यू टू द सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बच्चे पाउट मैमल कैंग की बात हो रही है ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम एनी अदर मैमल देखो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल कोने में पड़ा है वर्ल्ड का मैप याद है ना नीचे बिल्कुल कोने में किसको रखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया तो हमारे ये जो हैं मैमल्स जिनको बोला है वो तो बिल्कुल सेफ हैं उनको कंपटीशन ही नहीं है किसी से वहीं पर रहते हैं कोई रूट्स तो है नहीं बीच में तो समुंदर है सात समुंदर पार आना पड़ेगा इधर अगर किसी से कॉम्पिटिशन करना है तो दे आर सेफ एट दैट लोकेशन बिकॉज ऑफ द नो कॉम्पिटिशन लेकिन बाकी में जहां पर मैमल्स बहुत सारे हैं दे फेस्ड सम कॉम्पिटिशन ठीक है वी लेट सम मैमल्स लिव होली इन द वॉटर कुछ ऐसे मैमल्स है एक्वाटिक मैमल्स एग्जाम्पल आपको पता है एनिमल किंगडम हमें याद है वेल्स हैं डॉल्फिन सी है सिकाओ है डीज आर सम एग्जाम्पल्स तो ये क्वेश्चन आपको यहां से आ सकता है ये लाइन आपकी एनिमल किंगडम की एनसीआरटी में नहीं दी हुई है कहां दी हुई है एवोल्यूशन की एनसीआर में तो थिंग्स आर इंटरलिंग आप ये नहीं बोल सकते कि एनसीआर ने पूछ, बताया ही नहीं था कि मैमल कौन है तो कैसे पूछ लिया उन्होंने एनिमल किंगडम में नहीं बताया लेकिन कहां पर बताया है एवोल्यूशन में बताया है ठीक है कहां पर बताया है एवोल्यूशन में बताया है. तो इन चीजों को नोट करते रहो देन बच्चे एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स हमारा इक्वस एलिफेंट डॉग आर स्पेशल स्टोरीज ऑफ एवोल्यूशन जो आप पढ़ेंगे अपनी आने वाली क्लासेज में खुश हो लो इस पर भी कि अभी नहीं पढ़ना पड़ रहा है आगे कभी पढ़ेंगे यू विल लर्न अबाउट दैम इन हायर क्लासेस सबसे सक्सेसफुल स्टोरी किसकी है सबसे सक्सेसफुल हमारी है ना दैट इज एवल्यूशन ऑफ मैन जिसमें विद लैंग्वेज स्किल सेल्फ कॉन्शियसनेस और रफ स्केच अभी हम देखते हैं तो देखते हैं सबसे पहले कौन आया देखो इसमें भी अगर ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो बहुत कुछ है बहुत कुछ इतना आता ही नहीं है जितना आता है एनसीईआरटी एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे हम लोग और ये सीरीज भी क्या है हमारी एनसीईआरटी इसको ही सीरीज में याद कर लो कि पहले कौन आया बाद में कौन आया लास्ट में होमो सेपियंस आए यू विल बी डन ठीक है सबसे पहले अबाउट 15 मिलियन ईयर अगो मैं यहां पे लाइन बनाती जाऊंगी लिखती जाऊंगी कि फर्स्ट कौन बाद में कौन प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथिकस एंड रामोपिथिकस वर एग्जिस्टिंग सबसे पहले जब स्टार्टिंग हमने पढ़ना शुरू किया तो मूवी में कौन आया सबसे पहले वी वर हैविंग रामा पिथिकस रामा पिथिकस ऑल्सो शिवा पिथिकस शिवालिक हिल्स में मिले थे इनके फॉसिल्स एंड देन वी हैव गॉट ड्रायो पिथिकस ड्रायो ठीक दे वर हैरी एंड वॉकड लाइक चिंपैंजेस रामा पिथिकस बच्चे कैसा था मैन लाइक इट वॉज मोर लाइक अ मैन नाम से क्लियर है राम शेव है ना लाइक मैन दे वर मैन लाइक एंड दे वर मोर लाइक ये बच्चों थोड़े लाइक -like थे ठीक है इसी वजह से ये क्या थे हेयरी भी थे इसी वजह से ये क्या थे बेंट भी थे और ये क्या थे बच्चों इरेक्ट थे

अब अगला कौन सा आपको याद रखना है टाइमलाइन में ऑस्ट्रेलोपिथिकस कौन ऑस्ट्रेलोपिथिकस ना ऑस्ट्रेलोपिथिकस डज नॉट हैव एनी एसोसिएशन विद ऑस्ट्रेलिया कोई भी बच्चा ये नहीं लिख के आया कि ये इनके फॉसिल्स मिले थे ऑस्ट्रेलिया में नो दे प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड याद रखना है ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है दैट ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहां रहते थे लिख के आएंगे ऑस्ट्रेलिया नो no, बच्चे दे लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड ठीक है ये इतनी रिक्वेस्ट क्यों हो रही है इतनी रिक्वेस्ट क्यों हो रही है हाँ ठीक ठाक है अरे आपका वो हो गया क्या जो आप आती करते हो सेशन में तुम कैसी हो मैं ठीक हूं तुम्हारी तबीयत कैसी है ये सब यू नो मेल जोल जो आप ग्रीटिंग्स देते हैं एक दूसरे को हो गया हो गया हाँ चलो गुड 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 मुझे लग रहा है हो गया आपकी ग्रीटिंग्स एक्सचेंज हो गई हैं तो हम आगे शुरू करें क्योंकि मैं वेट करती हूं कि कब बच्चे आपस में एक्सचेंज कर लेंगे हाय हेलो हाउ आर यू वेर वर यू येस्टडे आई वॉज वेटिंग फॉर यू है ना ये सब चीजें नहीं नहीं करते हैं है, मैम को दिख रहा है करते हैं हाँ यस yes? चलो हाँ रोज रोज आपका एक दूसरे से हालचाल पूछना तो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं यही देखती हूँ कि सेशन यहाँ पे शुरू हो गया है लेकिन हम क्या पूछ रहे हैं एक दूसरे से हालचाल पूछ रहे हैं है ना ठीक है ठीक है भाई यहाँ पर आए हो तो इमेजिन करके चलो कि सब ठीक है मैम ठीक है मैम के बच्चे ठीक हैं तभी तो वो सेशन देखने आए हैं ठीक नहीं होते तो क्यों आते क्यों आते हैं ना तो देर इज नो पॉइंट ऑफ आस्किंग हाउ आर यू एवरी डे दे आर फाइन एंड दे आर प्रिपेयरिंग यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर है ना दे आर वेरी स्मार्ट दे आर कमिंग एवरी डे दे आर वेरी स्मार्ट ठीक है वो अपनी तैयारी पूरी रख रहे हैं आप कभी कभी आते हो तो आप उनसे पूछ लेते हो हाउ आर यू है ना हाउ आर यू तो मेरे ही तो बच्चे हैं ये मेरे ही तो बच्चे हैं जो मुझे देख रहे हैं वो मेरे ही तो बच्चे हैं है ना फ्यूचर डॉक्टर्स चलो एविडेंस शोज दैट दे हंटेड विथ स्टोन वेपन ये भी क्वेश्चन आता है ऑस्ट्रेलोपिथक दे हंटेड विथ स्टोन वेपन बट एसेंशियली एट फ्रूट्स इन्होंने एनिमल हंटिंग की वेपन से बट दे आर वेजिटेरियन बट दे आर वेजिटेरियन प्रोटेक्शन के लिए किया क्यों हंटिंग किया अब आप बोलोगे मैम एनिमल्स को हंट किया तो फिर खा क्यों नहीं लिया खाने के लिए नहीं किया द दर्पज वॉज प्रोटेक्शन ठीक है तो स्ट्रेलोपेक्स की क्या खास बात याद रखनी है सबसे पहले कहां मिलते हैं कहां रहते थे ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड दे परफॉर्मड हंटिंग बट फॉर प्रोटेक्शन नॉट फॉर ईटिंग दे वर वेजिटेरियन सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड विट अब कुछ जो बोन्स बोली वो थोड़ी अलग थी किसकी थी दिस क्रिएचर वॉज कॉल्ड फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींगल्ड होमोहेबिलिस दिस इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बचों होमोहेबिलिस के बारे में होमोहेबिलिस के बारे में सो इट वॉज फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग एंड कॉल लैस होमोहेबिलिस ब्रेन कैपैसिटी वॉर बिटवीन सिक्स फिफ्टी टू एट हंड्रड

ठीक है दैट ज होमो इरेक्टस वन पॉइंट फाइव मिलियन ईयर्स अगो होमो इरेक्टस का ब्रेन थोड़ा सा और बढ़ गया हेबिलिस का कितना था 650 फिफ्टी इरेक्टस का कितना है 900 हंड्रेड कितना 900 हंड्रेड एंड होमो इरेक्टस अब ये वेजिटेरियन नहीं थे अब ये क्या थे दे यूज्ड टू ईट मीट देन आए बच्चों नियंडरथल मैन विद द ब्रेन साइज ऑफ 1400 सीसी देख रहे हो कैसे बढ़ रहा है 650 650 से 900 अब इससे आगे कहां गए 1400 सीसी एंड दे लिव्ड नियर ईस्टर्न सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख टू 40000 इयर्स बैक एंड दे यूज्ड हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बर्डेड देयर डेड देखो पहले ऐसे कस्टम्स नहीं थे अब

ऑफ ग्रोथ एंड द डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन अब उन्होंने बोला आगे की हम आप पढ़ना एस एस टी में इससे ज्यादा हम बायोलॉजी में नहीं बताएंगे अगर सिविलाइजेशन की बात करने लग जाएंगे तो बस फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन मोहन जोताड़ो हड़प्पा पता नहीं क्या क्या था मैं भी भूल गई हूँ बच्चों डिड यू लाइक डिड यू लाइक एस एस टी पसंद थी सबको या नहीं थी कैसी लगती थी टेंथ में पढ़ा था ना लास्ट एस एस टी जिसमें इतना कुछ याद करना पड़ता था वर्ल्ड हिस्ट्री अलग है इंडियन हिस्ट्री अलग है सो मच टू लर्न सो मच टू लर्न द दट आई लाइक इन एस एस टी वॉज जोग्राफी जोग्राफी वॉज गुड टू स्टडी अबाउट कि कहाँ पर क्या चीज़ है एंड इकोनॉमिक्स वॉज ऑल्सो गुड बट हिस्ट्री वॉज लाइक दूरी रखो दूरी रखो है ना है ना हाँ बहुत बच्चों को नहीं पता थी बहुत बच्चों को नहीं पसंद भी होती है एस एस टी बट मार्क्स बहुत आने लग गए हैं पहले मार्क्स नहीं आते थे हमारे टाइम पे बट नाउ इट इज The CBSC, they luckily they have become lenient and students are getting lots of marks, मार्क्स huh? Yes, yes बच्चों yes, ठीक है चलो तो चैप्टर का क्या हुआ समाप्ति हो गई है अंत हो गया आज हमने क्या किया सिंगल सेल से लेकर हम होमोसेपियंस तक हमने पहुंचा लिया सिंगल सेल के बाद हमने पढ़ा थोड़ा सा इनवर्टिट के बारे में के बारे मामल्स. मामल्स के बाद पढ़ा हमने एम्फीबियंस फिर रेप्टाइल्स एंड देन मैमल्स मैमल्स बारे में देन हमने बात की स्पेशली ह्यूमन के बारे में क्योंकि हॉर्स वगैरह की एवोल्यूशन आप पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में अगर आप ये लेते हैं तो एंड ह्यूम्स में देन हमने देखा स्टार्टिंग फ्रॉम रामोपिथिकस एंड ड्रायोपिथिकस वी हैव हैीच टू होमोसेपियंस तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए एटलीस्ट रामोपिथिकस ड्रायोपिथिकस ऑस्ट्रेलोपिथिकस होमोहेबलिस होमोइरेक्टस नियंत्रण

बड़े अच्छे मार्क्स आ गए सिक्स फिफ्टी लेकिन ट्वेल्थ ही नहीं क्लियर हुआ क्या फायदा उस नीट का क्या फायदा उस निमोनिक का कि बस निमोनिक याद है उसके पीछे का बैकग्राउंड ही नहीं, नहीं पता तो डोंट रन फॉर निमोनिक्स जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे जस्ट आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो सबको आएगा लिख के लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो लिख लिख के ठीक है ओके रेडी रेडी फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू कम आज बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए पहला क्वेश्चन और मैं टाइम आपको दूंगी अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेकेंड्स चलिए स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन प्लेसेंटल वोल्वस एंड तस्मानियन वोल्वस मार्सियल एग्जिबिट अडेप्टिव रेडिएशन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन और होमोलोगी बताओ यस चलिए चलिए बताइए ये फर्स्ट क्वेश्चन है दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आज बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लें कॉम्बैट की भी तैयारी हो रही है साइमल्टेनियसली ये yes. कामन बच्चों बताओ वन का क्या आंसर है वन का क्या आंसर है एडाप्टिव रेडिएशन अच्छा प्लेसेंटल वुल्स एंड तस्मानियन वुल्स प्लेसेंटल वुल्स एंड तस्मानियन वुल्स प्लेसेंटल मैमल्स एंड मार्सुपियल्स दो तरीके की एडाप्टिव रेडिएशन अगर सिमिलर टाइप के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती हैं तो उसको क्या बोलते हो क्या बोलते हो यस बच्चों द करेक्ट आंसर इज बिल्कुल ये विजय कनोडिया ने ठीक दिया है दैट इज दैट इज बच्चों कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्योंकि ये है बच्चों प्लासेंटल मैमल्स वाली अडेप्टिव रेडिएशन में बना हुआ और ये मार्सुपियल वाली अडेप्टिव रेडिएशन में बना हुआ है लेकिन बोथ द टाइप ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर रिजल्ट है ना उधर वुल्फ बना तो इधर भी वुल्फ बना उधर फैलेंजर बना इधर भी फैलेंजर बना उधर मोल बना इधर भी मोल बना अगर सिमिलर काइंड के रिजल्ट आए दो डिफरेंट अडेप्टिव रेडिएशन के उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं वी यूज द टर्म दैट इज कॉन एवोल्यूशन ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू वेराइटी ऑफ बीक्स ऑफ finches that darwin found in galapagos island is an example of बारी-बारी चला जाता है जस्ट अ सेकंड आप आंसर दीजिए सेकंड का हां जी टू का क्या आंसर है गैलापागोस आइलैंड में फिंचेस की अलग-अलग तरीके की बीक्स देखी थी ओरिजिनल

क्या बोलोगे बच्चों दैट वॉज कॉल्ड एज एपसिल्यूटली मानसी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है अडेप्टिव रेडिएशन अडैप्टिव रेडिएशन की बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं एनसीईआरटी में पहली आपकी फिंचेज की दूसरी आपकी दी हुई ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की उसके बाद आपकी क्या दी हुई प्लेसेंटल मैमल्स की बट मार्सुपियल और मैमल्स में सिमिलर काइंड के रिजल्ट आ रहे थे उसको हम बोलते हैं कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन राइट नेक्स्ट वन नियो डार्विनिज्म नियोडारिज्मीव दैट न्यू स्पीशीज डेवलप थ्रू नियो डार्विनिज्म की बात हो रही है नियो नया डार्विनिज्म चलो बताओ न्यू स्पीशीज डेवलप थ्रू नियो डार्विनिज्म थर्ड क्वेश्चन दिस इज क्वेश्चन नंबर ठीक बताइए बताइए ओरिजिनल डार्विनिज्म नहीं नियो डार्विनिज्म कुछ अलग होगा हाइब्रिडाइजेशन म्यूटेशन वेरिएशन और कॉन्टिन्यूस वेरिएशन थर्ड का क्या है थर्ड का बच्चों बताओ थर्ड का क्या है यस yes. नियो डार्विनिज्म यस एक बच्चे ने बिल्कुल ठीक दिया है दैट इज कीर्ति कीर्ति द राइट आंसर दैट न्यू डार्विनिज्म बिलीव्स दैट न्यू स्पीशीज अराइज फ्रॉम म्यूटेशंस विद नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन तो रहेगी रहेगी डार्विन के केस में ठीक है ये भी नेचुरल सिलेक्शन है ये भी नेचुरल सिलेक्शन है पहले उसने क्या बोला था कॉन्टिन्यूस वेरिएशन बट द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनिज्म बिलीव्स दैट द कॉज ऑफ एवोल्यूशन द कॉज ऑफ द स्पीसिएशन इज गोइंग टू बी म्यूटेशंस द नेचुरल सिलेक्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ अच्छा कल कराया था ये कल कराया था बच्चों अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल सम टोटल ऑफ द अलीलिक्रिक्वेंसीलिक फ्रीक्वेंसी इज बताइए बच्चों कम ऑन गिव मी द राइट आंसर सम टोटल ऑफ अलीलिक फ्रीक्वेंसी अभी भी एट सेकेंड है आपके पास सोच लो सोच लो सोच लो हां जी क्या आंसर रहेगा यस yes, कल ही बताया था आपने सम टोटल ऑफ अलीलिक फ्रीक्वेंसी इज वन हमने इक्वेशन भी की थी कि होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रिक्वेंसी पी स्क्वायर प्लस होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी क्यू स्क्वायर प्लस हेट्रोजाइगोड्स की फ्रीक्वेंसी दैट इज टू प्यू पी क्यू इज इक्वल टू वन टोटल ऑफ द अलीलिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हार्डी विनबक प्रिंसिपल फिर से हार्डी विनबक का क्वेश्चन इज एप्लीकेबल टू कल कंडीशंस लिखवाई थी अलग से कि क्या क्या कंडीशंस है हार्डी विनबक की एप्लीकेबल टू स्मॉल पॉपुलेशन आइसोलेटेड पॉपुलेशन लार्ज पॉपुलेशन और ऑल ऑफ दीज कम ऑन सोच के देना आंसर बहुत सोच के देना सोच के दो यस yes, फिफ्थ का आंसर हार्डी विनबक प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू टाइम इज नाउ अप दे दिया कल बताया था हार्डी बिनबर्ग इक्वलिब्रियम का मतलब है इफ ए पॉपुलेशन इज फॉलोइंग हार्डी बिन्बर्ग इक्वलिब्रियम दैट मींस देर इज नो एवोल्यूशन इन दैट पॉपुलेशन दैट इज ओनली पॉसिबल कि ना तो कोई बाहर से अलील लेके आ रहा है नया ना ही कोई यहाँ का लेकर एग्जिस्टिंग अलील बाहर लेकर जा रहा है अब अगर पॉपुलेशन स्मॉल है थोड़ी सी भी माइग्रेशन होगी इट विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। सो द पॉपुलेशन इन केस ऑफ हार्डी हैज टू बी लार्ज कैसी पॉपुलेशन होनी चाहिए लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए ताकि अगर कोई बाहर से आ भी गया दो बंदे बाहर चले भी गए तो कोई ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं आना चाहिए अलीलिक फ्रीक्वेंसी पे सो द पॉपुलेशन ऑफ हार्डी विनबर्ग हैज टू बी लार्ज कंडीशन की थी लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए रैंडम मेटिंग होना चाहिए देर शुड बी नो म्यूटेशन नो माइग्रेशन राइट सो दिस वॉज वन ऑफ द कंडीशन ठीक है सी वॉज द राइट आंसर येस वेदांत चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स वट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट वॉट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट ज इन जीन फ्रिक्वेंसी हैज नथिंग कॉमन इन विद इनिंग इज अपरेंस ऑफ रिसेसिव जीन और प्रोड्यूस इज ग्रेटेस्ट फ्लक्चुएशन इन लार्ज पॉपुलेशन बताओ जेनेटिक ड्रिफ्टे वी टॉक दैट जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोर और लेस अ टाइप ऑफ जीन माइग्रेशन ओनली है ना एक तरीके से जीन गायब हो रहे हैं ड्रिफ्टनेस खत्म हो रहे हैं randomly and randomly correct answer is going to be option number a but it's a random change in gene frequency which does not offer any survival advantage there is no survival advantage देखा था रेड बीटल से ब्लू बीटल्स हो रही थी एंड अल्टीमेटली एक्सीडेंटली में जिसका कोई फायदा नहीं हुआ है ना कोई फायदा नहीं हुआ ब्लू कलर के रहने से वो भी बीटल्स बर्ड्स को दिख जा रही थी फायदा तब होता अगर रेड से चेंज आता ग्रीन में बट यहां चेंज किस में आया था ब्लू में आया था सो so, दिस

इकोलॉजिकल आइसोलेशन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन टेम्पोरल आइसोलेशन और बिहेवियोरल आइसोलेशन वॉट इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्पीसिएशन स्पीसीएशन के लिए बच्चों बताओ फटाफट बताइए सेवन्थ का पढ़ा हुआ है टेंथ में भी पढ़ा था स्पीसिएशन दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज दैट इज ओनली पॉसिबल वेन देअर इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पहले ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होगा जोग्राफिकल आइसोलेशन के बाद देयर वुड बी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन रि 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 रिपोडक्टिव आइसोलेशन से धीरे धीरे ओवर द टाइम देयर वुड बी एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन विच विल लेट टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ठीक चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट अभी किया फर्स्ट ह्यूमन बींग लाइक होमिन राइट नाउ वी डिड बता दो फटाफट फटाफट बताइए बच्चों फटाफट फर्स्ट ह्यूमन लाइक -like बींग ऐसी ही सेम लाइन लिखी हुई है फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग होमिनेट वोज कॉल्ड डास्ट ऑस्ट्रेलोपिथिकस होमो इरेक्टस होमो होमोहेबिलीज और होमोसेपिय बताइए फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनेट इरेक्टस और हेबिलिस देखो ऑस्ट्रेलोपिथिकस तो पहले आए थे इनका कोई मतलब नहीं होमोसेपियंस तो हम खुद ही हैं आंसर किसमें से आना है इरेक्टस और हेबिलिस में से यस बच्चों द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी क्या आंसर है ऑप्शन नंबर सी चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट एनसेस्टर ऑफ होमोसेपियंस डायरेक्ट एनसेस्टर इरेक्टस होमोसेपियंस नियंट्रोथ रामापिथिकस और ऑस्ट्रेलोपिथिकस डायरेक्ट एनसेस्टर ये भी लाइन दी हुई है बता दो फटाफट डायरेक्ट टेन्थ से आंसर नाइन्थ का दैट इज ऑप्शन नंबर ए यस किसने ठीक आंसर दिया किसने दिया शोएबराज ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया दैट इज ए रेक्टर्स नेक्स्ट ओके ये अब थोड़ा आसान क्वेश्चन आ गया द आई ऑफ ऑक्टोपर्स एंड द आई ऑफ कैट डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर ठीक है फंक्शन क्या है ऑरिजिन है. क्या है डिफरेंट उन्होंने बोला ना डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर सेम बता दिए होमोलोगस ऑर्गन एनालॉगस एनालस होमोलोगस ठीक है डायवर्जेंट या फिर कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन बताओ डायवर्जेंट या फिर कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन ओके टेंथ का क्या है वेन देअर इज दैट टाइप ऑफ ऑर्गन जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शन से ही याद आ जाना चाहिए इट इज एनालॉगस ऑर्गन एंड एनालॉगस के साथ याद करो एक ट्रिक सिखाई थी ए सी एच डी ज्यादा नहीं सोचना है एनालॉगस कन्वर्जेंट होमोलोगस Divergent तो अगर आपने चूज कर ही लिया है चूज कर ही लिया है कि एनालॉगस है तो इसका ठीक वाला भी चूज कर लो ए सी दैट इज कॉन्वर्जेंट बी वॉज द राइट आंसर बी वॉज द राइट आंसर बिल्कुल ठीक एक बच्चे ने अपना नाम ही नहीं रख लिया है क्यों भाई नियंड्रोथोल क्यों रखा है अपना नाम अब कोई आएगा होमो इरेक्टस वाला फिर आएगा कोई होमो वाला, फिर उनको लाइन से रख देंगे कि पहले ड्रायोपेथिकस फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर हैबिलिस फिर इरेक्टस फिर नियंड्रोथल फिर कौन है आपके होमो सेपियंस, राइट right? चलो आगे चलते नेक्स्ट वन दिस वॉज क्वेश्चन नंबर ये था टेन ठीक है अगला हो जाएगा इलेवेंथ इलेवेंथ क्वेश्चन The process by which organisms with different evolutionary history evolve similar phenotypic adaptations in response to common environmental challenge is called as similar phenotypic adaptation the process by which they evolve into similar phenotypic adaptations without easy hai. very easy time is up time is up bacho.

एक तरीके के फिनोटाइप बन रहे हैं याद करो प्लेसेंटल आपके मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल डिफरेंट टाइप ऑफ एडेप रेडिएशन बट फॉर्मिंग सिमिलर फिनोटिपिक फिनोटिपिकेशन है ना एक जैसे मोल मोल वुल्फ वुल्फ कैट कैट सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन इलेवन का क्या आना था ए एब्सोल्युटली राइट हार्दिक राइट आंसर दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए आगे चलते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ रैंडम नॉन डायरेक्शनल चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी दैट अकर्स बाय चांस एंड स्पेशली इन स्मॉल पॉपुलेशन इज कॉल्ड लैस ये तो मैंने अभी बताया जस्ट अभी बताया बच्चों जस्ट अभी बता दो इसका करेक्ट आंसर हां जी बता दो राइट नाउ आई टोल्ड यू है ना स्मॉल पॉपुलेशन में क्या एप्लीकेबल है स्मॉल पॉपुलेशन में ये कौन बोल रहा है ए कौन बोल रहा है म्यूटेशन की क्या कंडीशन है कि ये स्मॉल पॉपुलेशन में होगा नो no. इट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट रैंडम नॉन डायरेक्शनल चेंज जो कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं देता है है ना रैंडम ड्रिफ्टिंग ऑफ रैंडम चेंज इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी ओनली इन स्मॉल पॉपुलेशन जो हाथी आया था हाथी ने अपना पैर इस तरीके से रखा कि सारी रेड बीटल्स गायब हो गई ऐसा तभी पॉसिबल है कि जब पॉपुलेशन बहुत छोटी थी मान लो पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी तो इस चीज की प्रॉबीबिलिटी होना बहुत कम है दैट इफ एन एलिफेंट एलिफेंट विल विल कम एंड देन स्टैम्प हिज फुट ओनली ऑन द रेड बीटल्स इसकी प्रॉबिलिटी

ठीक है अखिल पहले आंसर दिया होगा जिसका मैम ने पढ़ लिया बस उसी का नाम आ जाता है मे भी आप बहुत सारे बच्चे पहले भी उससे आंसर देते होंगे आई अग्री आई टोटली अग्री बच्चों है ना आई टोटली अग्री सो विच वॉज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज आज ही देखा है

डार्विन फिंचेस फिंचज आर एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ डार्विनियन फिंचेस बताओ एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ओरिजिनल क्या थी हमारी सीड ईटिंग पॉपुलेशन थी है ना फिर बच्चे उस आइलैंड पे कुछ इवॉल्व हो गई उनकी बीक्स में चेंज आया कुछ बन गई कैक्टस ईटिंग कुछ बन गई बच्चों फ्रूट ईटिंग कुछ बन गई आपकी स्टोन ईटिंग बीक्स में मॉडिफिकेशन आई दिस इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ

फॉलोइंग इज अ अर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन होमोलोगस ऑर्गन का पेयर बता दो होमोलोगस ऑर्गन होमोलोगस क्या होता है जिनका ओरिजिन क्या है सेम दीज आर दोज ऑर्गन विद सेम ओरिजिन बट फंक्शन क्या है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन ठीक है सेम ओरिजिन एंड शोइंग डिफरेंट फंक्शन कैसी रेस बनी डाइवर्जेंट एच डी होमोलोग डाइवर्जेंट आपसे पूछा था एग्जाम्पल बताया एग्जाम्पल या नहीं बताया फिफ्टींथ का क्या एग्जाम्पल बता रहे हैं लेटमी चेक कुछ ए कुछ बी कुछ सी ओके पेक्टोरल फेंस ऑफ फिश एंड फोर्म ऑफ हॉर्स विंग्स ऑफ ग्रास ऑपर विंग्स ऑफ क्रो लंग्स ऑफ रैबिट ग्रॉन विंग्स ऑफ बैड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई देखो मान लो कोई ऐसे एग्जाम्पल आ जाए जो एनसीआर में नहीं दी हुई थी आपने पढ़ी नहीं कैसे पता लगाओगे कि होमोलोगस है एनालॉगस एक सिंपल सा फंडा हमेशा याद रखना आप ओरिजिन तो शायद ना पता लगा पाओ बट यू कैन गेस द फंक्शन एंड यू कैन गेस इट करेक्टली है ना इफ द फंक्शन इज सेम दैट इज गोइंग टू बी एनालॉगस इफ द फंक्शन इज डिफरेंट दैट इज गोइंग टू बी होमोलोगस तो जब ओरिजिन का कुछ अता पता ना हो नहीं गैस लगा पा रहे हो तो फंक्शन से गैस लगाओ ये देखो

So here is is same, is चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर ऑफ गैस ऑन द प्रमेट अर्थ सबसे पहले क्या आया करेक्ट सिक्वेंस बताना है अमोनिया न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वाटर न्यूक्लिक एसिड अमोनिया बताओ करेक्ट सीक्वेंस केमिकल एवोल्यूशन वाली थ्योरी आती है ऑपरेन होल्डेन वाली स्टैनले मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट याद है वो करेक्ट आंसर दे पाएंगे बताओ सब गलत दे रहे एवरी वन रॉन्ग हा एक बच्चे ने ठीक दिया दैट इज विक्टर विक्टर विद आंसर सबसे पहले अमोनिया ये तो हो ही नहीं सकता ना पहले प्रोटीन थोड़ा उठ के आ गए थे पहले हमने रॉ मटेरियल्स में क्या लिया था वाटर वेपर्स लिए थे हाइड्रोजन लिया था अमोनिया लिया था मीथेन लिया था याद है ना वाटर वेपर हाइड्रोजन अमोनिया एंड मीथेन ये रॉ मटेरियल में लिया था एंड देन बच्चों उससे हमारे पास क्या बने थे अमाइनो एसिड्स अमाइनो एसिड्स अल्टीमेटली क्या बनाएंगे प्रोटीन देन सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आल्सो रिजल्टेड इन कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि उस तरीके के जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो हमें बाद में क्या मिला काप्स भी मिले और न्यूक्लिक एसिड भी मिले तो करेक्ट सिक्वेंस बी नहीं हो सकता करेक्ट क्या होगा आपका सी करेक्ट आंसर संजय यस करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी ठीक चलिए नेक्स्ट वन सेवेंटींथ कॉमन ओरिजन ऑफ मैन एंड चिमपेजी इज बेस्ट शोन बाय मैन और चिमपेन्जी का कॉमन ओरिजन पाइनोक्यूलर विजन होमोलोगीन क्रोमोजोम्स डेंटल फॉर्मूला और क्रेनियल कैपेसिटी कैसे बताओगे कि हमारा कॉमन ओरिजन है बताओ सबसे बेस्ट तरीका क्या है बेस्ट तरीका सेवनटीन्थ का आंसर क्या स्टडी किया गया देखो नंबर ऑफ तो अलग अलग है हमारे में कितने फोर्टी सिक्स उनमें कितने फोर्टी एट बट वेन वी चेक दियर क्रोमोजोमल बैंडिंग पैटर्न हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें क्रोमोजोम नंबर थ्री एंड क्रोमोजोम नंबर सिक्स मैन और चिंपैंजी के कंपेयर किए क्रोमोजोम गया आर ऑलमोस्ट सिर टू नंबर थ्री एंड सिक्स ऑफ द चिमपैंसि तो हमें उनका कॉमन रिजन कहाँ से पता चला बाई स्टिंग बैंडिंग इन दर क्रोमोजोम होमोलोगी इन द क्रोमोजोम इज द राइट आंसर ठीक है करेक्ट आंसर क्या है क्रेनियल कैपेसिटी नहीं क्रेनियल कैपेसिटी से ओरिजन नहीं पता चलता है आपको जाना पड़ेगा मॉलिक्युलर लेवल पर डीएनए लेवल पर क्रोमोजोम स्टडी करके मुझे पता चला बैंड्स देखने के बाद पता चला दैट यस दे हैव कॉट कॉमन ओरिजन बी इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट फिनोमिना कौन सा क्वेश्चन है ये यस दिस इज क्वेश्चन नंबर एटीन

नीट में आएगा अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है पुराने के अकॉर्डिंग इट विल कम कैसे अपने आप मान लिया आउट ऑफ सिलेबस नो बच्चों नो फिन ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म सिंपल क्लासिक एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई बाहर पोल्यूशन बढ़ा पोल्यूशन बढ़ा तो व्हाइट वाली मौत आराम से दिख जाती थी डार्क कलर ट्रीज पे इसी वजह से उनमें नेचुरल सिलेक्शन हुई और कुछ मौत क्या बन गई डार्क विंग और सिंस दे वर बेटर फिट टू द एनवायरनमेंट दैट इज वाई दे सरवाइव बेटर तो उनका नंबर क्या था ज्यादा बिकॉज दे शोड रिप्रोडक्टिव फिटनेस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सी इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पर सम बैक्टीरिया आर एबल टू ग्रो इन स्टेक्टोमाइसिन कंटेनिंग मीडियम ड्यू टू ड्यू टू स्ट्रेप्टोमाइसिन मतलब एंटीबायोटिक रिच मीडियम में भी कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर जा रहे हैं ऐसा कैसे हुआ ये मैजिक कैसे हुआ ये मैजिक कैसे हुआ नेचुरल सिलेक्शन इंड्यूस्ड म्यूटेशन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट ओके बताओ ये देखो पूरी बातें चल रही हैं बहुत आराम से बातें चल रही हैं। करेक्ट आंसर इज बच्चों नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन इज अ रीजन ड्यू टू विच सम बैक्टीरिया

एक न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी राइट एट अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए ए इज इज एंड स्मॉल फ्रिक्वेंसी वुड बी द दीक्वेंसी ऑफ हेटे इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन एट इक्विलिब्रियम आप मान के चल रहे हो कि पॉपुलेशन किस पे चल रही है इक्विलिब्रियम पे तो हेटरोजाइगॉट की फ्रिक्वेंसी है वेरी इजी कल कराया था बच्चों कल कर आया था बताओ बताओ फटाफट बताओ कम ऑन गिव मी द राइट आंसर एट अ पर्टिकुलर लोकस कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है पॉइंट फाइव स्मॉल ए की है पॉइंट फोर यू हैव टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ इन अ रैंडम मेटिंग ये भी तो कंडीशन है ना हार्डिंग बक की रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन थैंक यू द बीस्ट सब टीचर्स एक जैसे होते हैं सब टीचर्स आई रिस्पेक्ट टीचर एवरी वन है ना सब टीचर्स एक जैसे होते हैं वैसे तो ओके okay. हां क्या निकाला पॉइंट फोर निकाला पॉइंट फोर तो दिया हुआ है की निकालनी है मैं सिंपल से आपको फॉर्मूला बता रही हूं होमोजाइगस डोमिनेंट अगर पूछ लेते होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रिक्वेंसी पूछ लेते होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब कैपिटल ए कैपिटल ए क्या फ्रिक्वेंसी थी टी सेम वे होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव अगर पूछ लेते दैट मींस स्मॉल ए स्मॉल आंसर वुड है ठीक है क्या पूछा है इन्होंने हेटेड्स क्या पूछा है हेटर ठीक है द आंसर इज गोइंग टू बी जिसमें हमें दिया हुआ है पॉइंट फोर तो टू पी क्यू निकाल लो क्या होगा टू पी क्यू टू इंटू पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट फोर फाइव फोर ट्वेंटी ट्वेंटी टू जर फोर्टी करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ये देखो ये देखो अभी भी गलत आ रहा है अभी भी गलत आ रहा है मल्टीप्लाई करके बता दो बस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों करेक्ट आंसर निकाल दो है ना करेक्ट आंसर निकाल दो यस करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी नियर मोस्ट निकालना ना अब ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल सेम आप निकाल दो यहां पर हो सकता है कि सेकंड फिगर में मैच ना करे बट पॉइंट के बाद एक फिगर तो मैच कर रही है एक फिगर तो मैच कर रही है यस करेक्ट आंसर वुड बी पॉइंट फोर जीरो यस चलो आगे

फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इन द पॉपुलेशन ये जो बच्चे हैं ना इन्होंने कल वाला लगता आंसर है सो यस्टरडे आई गेव यू ट्रिक फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए अब कैपिटल ए किस में आ रहा है देखो इसमें पूरा आ रहा है दोनों में कैपिटल ए कैपिटल ए इसको पूरा ले लोगे 360 प्लस कैपिटल ए इसमें आधा आ रहा है ना प्लस हाफ ऑफ फोर एटी राइट आंसर थ्री सिक्सटी प्लस 240, फोर्टी दैट इज गोइंग टू बी 600, बट अभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं आई दिस हैजू बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलशन दैट इज 1000, करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी पॉइंट सी वुड बी द राइट आंसर येस करेक्ट आंसर वुड बी सी और यही अगर आपसे पूछ लेते स्मॉल की फ्रीक्वेंसी बताओ स्मॉल की फ्रिक्वेंसी बताओ तो आप या तो ये भी कर सकते हो वन माइनस पॉइंट सिक्स या फिर क्या कर सकते हो कल भी सिखाया था मैंने वन सिक्सटी प्लस हाफ ऑफ फोर एटी ठीक है जो भी आंसर आता आपका जो भी आंसर आता उसको आप डिवाइड कर देते थाउजेंड से दैट वुड है ठीक है बाकी कंफर्म भी कर सकते हो वन माइनस पॉइंट सिक्स करके ठीक आप प्रॉपर क्विज कर पाएंगे अब मुझे लगता है आप प्रॉपर क्विज कर पाएंगे क्योंकि अब एवोल्यूशन पूरा हो गया तो आ जाओ फटाफट अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पे क्या करना है अन अकेडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए इंस्टॉल करने के बाद आना है आपको टेस्ट में यस दिस इज इंपॉर्टेंट सिलेक्ट टेस्ट टेस्ट में आने के बाद नेक्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन लाइव क्विज ऑप्शन वहीं पे कॉम्बैट भी आ रहा है एनरोल भी कर लेना लाइव क्विज पे जाने के बाद ज्वाइन क्विज ज्वाइन क्विज के बाद वो आपसे पूछेंगे कोड और हमारा आज का कोड डालने का जगह कहा गया यस सो दिस इज गोइंग टू बी आवर कोड लेट मी जस्ट टेल यू आई एम जनरेटिंग अ कोड फॉर यू बच्चों फ्री क्विज है लेकिन कहाँ चलेगा सिर्फ अन अकाडमी की लर्निंग ऐप पर चलेगा मोबाइल पे नहीं चलता है ठीक सॉरी लैपटॉप पे नहीं चलता फ़ोन पे चलता है मोबाइल पे चलता है लैपटॉप पे नहीं चलता है एवोल्यूशन का ही करते हैं अब तो एवोल्यूशन पूरा हो गया बच्चों खुशी मनाओ कब से कह रहे थे मैम एवोल्यूशन पूरा करा दो एवोल्यूशन करा दो तो एवोल्यूशन हमने करा दिया टुडे इज ट्वेंटी सिक्स और ये कल कॉम्बैट में भी आ रहा है तो इट विल हेल्प यू इन कॉम्बैट एज़ वेल आवर कोड इज टू ट्वेंटी एट हंड्रेड एंड फोर क्या है हमारा आज का कोड 220804 ये लो बच्चे कोड ले लो ठीक है दिस इज कोड दिस इज आवर कोड 220804 ट्वेंटी एट हंड्रेड एंड फोर दिस क्विज विल वर्क ऑन ओनली ऑन अकेडमी लर्निंग एप कुछ नहीं करना सिर्फ ऐप को डाउनलोड करना फ्री है फ्री ऐप है डाउनलोड करने के बाद टेस्ट में जाना है होम स्क्रीन पे नीचे लिखा हुआ है टेस्ट में जाने के बाद लाइव क्विज लाइव क्विज में जाने के बाद ज्वाइन क्विज ये देखो मैम ने क्या बना दिया हाउ टू ज्वाइन क्विज का फ्लो चार्ट बायोलॉजिस्ट बायोलॉजी टीचर बायोलॉजी स्टूडेंट फ्लो चार्ट हम पूरी बायोलॉजी कैसे बना सकते हैं ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में तो बस हमने क्विज को ज्वाइन करना भी सिखा दिया फ्लो चार्ट में में ऐप जाओ टेस्ट में जाओ लाइव क्विज में जाओ ज्वाइन क्विज में जाओ बस इस फ्लो चार्ट को फॉलो करना है आईफोन पे चलता है येस yes, चलता है बच्चों ऑफकोर्स इट वर्क ऑन एपल डिवाइस एज वेल दिस इज हाउ यू हैव टू ज्वाइन द क्विज राइट चलो आ जाओ साथ ही में स्पेशल क्लासेस दे आर ऑलरेडी रनिंग ऑन एनक अकेडमी लर्निंग ऐप हमारी सीरीज चल रही है वेयर वी ट्राई टू लर्न द बायोलॉजी विद क्वेश्चन जिसमें हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हर रोज रात में आठ बजे सुबह ग्यारह बजे भी मैं वन शॉर्ट्स लेती हूँ और रात में आठ बजे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के साथ बायोलॉजी अब फ्री क्लासेज हैं फ्री क्लासेस का लेकिन आपको मैं चाबी दे देती हूँ चाबी क्या है आपको ये कोड यूज करना है दैट इज सीप लाइफ क्या कोड यूज करना है सीप लाइफ ठीक है याद रहे ये आपको हमेशा कोड ज स्टार्टेड आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स इन द एजुकेशन इंडस्ट्री आपको मिलेंगे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जब लेंगे इस कोर्स के लिए तो आप कोड यूज कर लेना ये वाला ठीक है चलो आ जाओ अन अकेडमी कॉम्बैट जिसकी मैं कल प्रिपरेशन करा रही हूँ टुमोरो नाइन थर्टी ए एम आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू टू बी ऑन द यूट्यूब हम हमने टेस्ट रखा है एक्सक्रेशन रिप्रोडक्शन एवोल्यूशन एंड यस केमिकल कंट्रोल ठीक है अब कॉम्बैट के बारे में सबको पता है क्या सिलेबस है मैंने दिखा दिया था फिर भी जो देखना चाहते हैं देख सकते हैं दैट थाउजेंड ऑफ़ स्टूडेंट दे आर गोइंग टू कम लाइफ एंड देयर विल बी कॉन्टेस्ट फॉर इलेवन ट्वेल्थ एंड थर्टीन सेपरेटली बट एट द सेम टाइम ग्यारह बजे ठीक है बॉटनी जुअलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सब आएगा टाइमिंग आएंगे बच्चों कल 11 बजे अभी तक एनरोल नहीं किया तो अभी भी कर सकते हैं आप डेफिनेटली डॉट या फिर ऐप में जाकर चार राउंड होने वाले हैं एक घंटे में हर एक राउंड में सात क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन ट्वेंटी एट क्वेश्चन एंड प्राइजेस देख लो फर्स्ट टू थर्ड प्राइस वन मंथ सब्सक्रिप्शन और सेम प्राइस का अमेजॉन वाउचर फोर्थ टू फिफ्थ थाउजेंड रुपीज एमेजॉन वाउचर एंड दिस इज योर सिलेबस दिस बच्चो इज योर सिलेबस ठीक है दिस इज योर सिलेबस नहीं ये लैपटॉप में नहीं चलेगा सिर्फ ऐप में चलेगा जिन लोगों ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है वो कर सकते हैं क्योंकि मैंने अभी क्विज चालू नहीं किया कॉम्बैट में बच्चों फ्री एनरोलमेंट है देर इज फ्री एनरोलमेंट इन कॉम्बैट बस वहां पर भी बच्चों आपको इन्वाइट कोड डालना पड़ेगा आप डाल दीजिएगा ठीक है यू कैन एंटर दिस कोड राइट चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट दिस इज अड्यूल ऑफ स्पेशल क्लास ऑफ माई होल टीम होल ऑफ द टीम इज वर्किंग रियली हार्ड फॉर योर प्रिपरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग नाइन ए एम टिल इवनिंग येस रात में ग्यारह ग्यारह बजे तक आपकी क्लासेस होती है नौ आठ बजे तो मैं ही आपकी क्लास लेती हूँ सुबह ग्यारह बजे भी होती है सो यू कैन नोट दिस टाइम और सब टीचर्स को साथ लेके चलो सबको फॉलो करो अन अकाडमी की लर्निंग ऐप पर ताकि आपको सबका स्कड्यूल दिखता रहे स्पेशल क्लास के अलावा यूट्यूब पर भी तैयारी हो रही है कोई टॉपिक मिस हो जाता है आप उसे स्पेशल में देख सकते हो डेली हमारा मिलने का टाइम क्या है फाइव पी नॉट जस्ट मी वी स्टार्ट अवर डे फ्रॉम नाइन थर्टी ए एम इन विद फिजिक्स देन बॉटनी देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स फिजिक्स जोलॉजी केमिस्ट्री एंड बॉटनी देखो कितना सारी पढ़ाई करनी है कितनी सारी पढ़ाई ठीक है टेलीग्राम चैनल इस लिंक पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो सब्सक्रिप्शन की बात करें तो लाइव क्लासेस है बच्चों आपने कोर्ट ज्वाइन किया है नहीं किया ये देखो ये बच्चे मुझे सिखा रहे हैं थोड़ी सी कंप्यूटर मैम लैपटॉप में क्या बोला था एंड्रॉइड सिमुलेटर से कर ले सकते हैं। सिमुलेटर ओके वॉट एवर इट इज़ आपको आप इंटेलिजेंट तो आप कर लेना बट मैं कोड तो लो कोड तो चाहिए होगा ना बिना कोड के तो नहीं चलेगा कोड लिख लो बस कोड क्या था टू ट्वेंटी एट हंड्रेड फोर टू ट्वेंटी एट हंड्रेड फोर सब बच्चे आ जाओ ये कोड यूज़ करके आप चाहे एंड्रॉयड सिमुलेटर यूज़ करो इमुलेटर यूज़ करो मैम को फ़र्क नहीं पड़ता मैम को फ़र्क पड़ता है कि ये क्विज में पार्टिसिपेट करो ठीक है लाइव क्लासेस होती हैं प्रॉपर um, कोर्सेज चल रहे हैं आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं टेस्ट सीरीज है क्वेश्चन बैंक है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है ठीक है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है एंड इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे अन अकेडमी पर मिलेंगे आप देख सकते हैं क्लास इलेवंथ का बैच चल रहा है ट्वेल्थ का बैच चल रहा है एंड साथ ही में साथ ही में बच्चों क्रैश कोर्स ऑल्सो रनिंग ठीक है तो so, जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे सारे स्टेप्स को फॉलो करके यू शुड गो फॉर सिक्स मंथ टू टू ईयर ऑफ सब्सक्रिप्शन वन मंथ थ्री मंथ आपका भी टाइम वेस्ट होगा आप ट्रायल की तरह लेंगे बट अल्टीमेटली यू विल टेक द लॉन्ग लॉन्गर टर्म तो इन्वेस्टमेंट करनी है तो सही चीज में करो इलेवेंथ में हो तो टू ईयर ट्वेल्थ में हो तो बच्चों वन ईयर मिनिमम सिक्स मंथ तो लेना ही चाहिए इन्हीं का पर मंथ कॉस्ट सबसे कम है और कम हो जाएगा इफ यू विल यूज दिस कोड प्लाई विच कैन गिव यू टेन परसेंट ऑफ ऑन दी टोटल अमाउंट वन मोर टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन भी है जिसको हम बोलते हैं आईकॉनिक सब्सक्रिप्शन ठीक है दैट इज कॉल्ड एज आईकॉनिक जिसमें प्लस के सारे बेनिफिट हैं बट साथ ही में एक आपको मिलता है पर्सनलाइज कोच कौन मिलता है एक मेन्टोरिक एक कोच जो आपके लिए आपके टेस्ट को एनालाइज करेगा स्टडी प्लानर बनाएगा स्ट्रैटेजी बनाएगा छोटे छोटे से डाउट्स होते हैं ना आपके कैसे पढ़ाई करनी है कितने बजे उठना चाहिए फिजिक्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखें बायोलॉजी के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखें सो दिस कोच इज गोइंग टू हेल्प यू इन मेकिंग स्ट्रेटजी फॉर नीट प्लस योर एम बी बस एज वेल यहाँ पर भी यू कैन यूज दिस कोड सीप लाइफ विच कैन गिव यू टेन परसेंट ऑफ ऑन द टोटल अमाउंट योर मैम इज अवेलेबल ऑन आइकॉनिक एज वेल मतलब ये कोड एप्लीकेबल है यहाँ पर भी ठीक है एक बार मैं क्विज का कोड दोबारा बताऊँ एंड देन चलते हैं चालू कर देंगे ये लो कोड ले लो बच्चों कोड है हमारा टू ट्वेंटी एट जीरो फोर जिसको एवोल्यूशन की तैयारी करनी है जिसको कॉम्बैट में कल प्राइजेस लेने डू ज्वाइन दिस क्वेस्ट आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग एट नाइन थर्टी एम फॉर आवर कॉम्बैट लास्ट लेग प्रेपरेशन वो तो बिल्कुल लास्ट है बच्चों ठीक है उसमें उसमें जरूर आइएगा ताकि आपका जोलॉजी रिवाइज हो जाए फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी पहले करके रख लेना 9:30 थर्टी टू टेन थर्टी क्या करेंगे जोलॉजी को रिवाइज कर देंगे अच्छे से एंड ग्यारह बजे आप अपना टेस्ट दे देना ठीक है तो कल मिलते हैं बच्चों तब तक के लिए एवरी वन हैप्पी वीकेंड एंड बाय